नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। रविवार 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। इस अवसर पर लोग दुनिया भर में योगाभ्यास कर योग की शक्ति को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। योग तन मन और प्राण को समायोजित कर संपूर्ण स्वास्थ्य पर काम करता है। इस साल कोविड-19 महामारी और कोरोना वायरस के कारण योग दिवस का प्रारूप कुछ बदला हुआ है। इस बार योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग घर पर योग रखी गई है, ताकि आप सुरक्षित रहकर घरों में अपने परिवार के साथ योग दिवस मना सके। संयोग से इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और सूर्य ग्रहण एक ही दिन है, तो ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें इस समय योगाभ्यास करना चाहिए। भले ही इस बार की थीम के अनुसार लोग घर पर रहकर ही योगाभ्यास कर रहे हैं, पर फिर भी वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें सूर्य ग्रहण के समय योगाभ्यास करना चाहिए। तो बता दें कि सूर्य असीमित ऊर्जा का स्रोत है और योग प्राकृतिक ऊर्जा के सामंजस्य पर आधारित है, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। परंतु सूर्य ग्रहण से 30 मिनट पहले आप योगाभ्यास कर सकते हैं। घर के अंदर रहकर ही आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपना योगाभ्यास सेशन पूरा कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय आपको केवल ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।